हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू द साइनेप्स। सबसे पहले साइनेप्स होता क्या है? साइनेप्स की अगर हम बात करें साइनेप्स की अगर हम बात करें क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंड नोब ऑफ द एक्सोन ऑफ वन न्यूरोन एंड डेंड्रोन और द सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरोन। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोज एसोसिएशन, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन एसोसिएशन है, ठीक है। एंड नोब ऑफ एक्सोन, एक न्यूरोन का तो एक्सोन एंड दूसरे न्यूरोन का या तो डेंड्रोन या सेल बॉडी, मतलब एक न्यूरोन के एक्सोन के बीच में और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रोन या फिर सेल बॉडी के बीच में जो क्लोज एसोसिएशन बनता है उसे हम नाम देते हैं साइनेप्स। यहाँ पर जैसे यहाँ ये प्रेजेंट है एक्सोन, ठीक है, एक्सोन के टर्मिनल्स हैं, एक्सोन के टर्मिनल्स ब्रांचेज होती हैं जिनका एंड पार्ट को हम बोलते हैं सिनेप्टिक लोब। यहाँ पर सेल बॉडी है, सेल बॉडी के स्मॉल स्मॉल ब्रांचेज हैं जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है तब ये दोनों इस तरह से एसोसिएटेड होती हैं और अपना एक सिग्नल एक जॉइंट बनाती हैं जिसे हम साइनेप्स का नाम देते हैं। साइनेप्स के अंदर हम मेनली तीन कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है, प्री मतलब पहले वाला, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स, साइनेप्स में पहले वाला जो टर्मिनल, साइनेप्स कहाँ पर बन रहा है, इनके बीच का टर्मिनल, पहले वाला टर्मिनल कौन सा होगा, एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट मतलब बाद वाला, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स और उसके बाद की जो मेम्ब्रेन होगी यानी एक्सोन की डेंड्राइट्स या सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन होगी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट क्या होता है, बीच का बचा हुआ स्पेस या कैविटी, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर अगर हम इनका इनलार्ज व्यू देखते हैं तो ये जो होगा हमारे पास क्या है, सिनेप्टिक लोब प्रेजेंट, टर्मिनल लोब प्रेजेंट है एक्सोन का जिसे हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल का नाम दे रहे हैं। नोब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वेसिकल फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, न्यूरोमंस मीन्स जो कि नर्वस सिस्टम के लिए काम कर रिलेट करता है, ट्रांसमीटर मतलब नर्वस सिस्टम का मैसेज, ब्रेन का मैसेज सेंड करने वाला एजेंट। तो यहाँ पर कोई केमिकल होगा जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर देते हैं। मेनली ये जो केमिकल्स होती हैं एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलीन, इनको हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल प्रेजेंट है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल्स। इसके बाद बीच का जो स्पेस बचता है हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी ये जो स्पेस प्रेजेंट है जिसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंचता है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी डेंड्राइट्स या सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर प्रेजेंट है कीमोरिसेप्टर। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से कोई भी जो केमिकल आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, ताकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है डायरेक्ट आके रिसेप्टर से बाइंड करे और आगे जाके यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाए और अपना काम करें। तीनों कंपोनेंट हो गए, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस तरह से तीनों की अरेंजमेंट होती है। वर्किंग कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर स्टिमुलस अप्लाई होता है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये जो सोडियम चैनल हैं वो क्या हो गए, ओपन, सॉरी कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो गए।
जैसे कैल्शियम चैनल ओपन हुए, बाहर का जो इंटरसेलुलर कैल्शियम है वो अंदर की तरफ मूव कर गया। अब जैसे जैसे यहाँ कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इन्होंने सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट किया कि ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करें। कैसे किया? इन्होंने वेसिकल को स्टिमुलेट किया ताकि ये इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़न करें। अब इन्होंने इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़न किया और बाय द एक्सोसाइटोसिस इन्होंने क्या कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर दिया। एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा उसको बाहर निकालना, तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इन्होंने क्या कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज़ कर दिया। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट है इनकी वेलकम के लिए इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये जाके अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद यहाँ पर डेंड्राइट्स के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे, डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी में जाएंगे, सेल बॉडी से फिर एक्सोन की लेंथ को कवर करके फिर अगले एक्सोन टर्मिनल पे जाएंगे, फिर वही सेम एक्सोन टर्मिनल से फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएंगे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएंगे, इस तरह से ये अपनी टारगेट सेल तक पहुँच जाती हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्टिक केमिकल ट्रांसमिशन, एक्सोडेंड्राइटिक मतलब एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके लिए दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है न्यूरो सिक्रीशन और सेकंड स्टेप होता है कीमो रिसेप्शन। न्यूरो सिक्रीशन का क्या मतलब है, जो अभी हमने बात की, न्यूरो मतलब यहाँ पर हम रिलेट करें नर्वस सिस्टम से, सिक्रीशन मतलब किसी चीज़ का सिक्रीट होना, यानी न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीट होना। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, क्या हुआ, यहाँ पर जो उनकी कैल्शियम चैनल क्या हो गई, ओपन हो गई। जैसे ही कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, इन्होंने क्या किया, कॉज द वेसिकल सिक्रीशन, वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़न करवाया और एक्सोसाइटोसिस से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाया, जो मेनली एसिटाइल कोलिन होता है, कई जगह पर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी रिलीज होता है, ये डिपेंड करता है नर्व फाइबर के ऊपर, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है या फिर एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर। अगर कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है तो वो सिक्रीट करेगी एसिटाइल कोलिन, और एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर है तो वो सिक्रीट करेगी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्साइटेशन सिक्रीशन कपलिंग। एक्साइटेशन सिक्रीशन कपलिंग क्यों बोलते हैं, एक्साइटेशन सिक्रीशन कपलिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कैल्शियम चैनल जो ओपन हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्साइट कर रहे हैं। किसको एक्साइट कर रहे हैं, सिनेप्टिक वेसिकल को एक्साइट कर रहे हैं कि जाओ और मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ करो, और फिर सिक्रीशन उनका सिक्रीशन करवा रहे थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। इस तरह से उन्होंने सबसे पहले एक्साइटेशन की फिर सिक्रीशन की, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाम दे रहे हैं एक्साइटेशन सिक्रीशन कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास कीमो रिसेप्शन, रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज हुआ है वो आके बाइंड करता है जो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। अब यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होगा बाइंडिंग कंपोनेंट और एक होगा आयोनोफोर कंपोनेंट। बाइंडिंग कंपोनेंट क्या होता है, जो डायरेक्ट रिसेप्टर्स लाइगेंड के साथ में बाइंड कर जाते हैं, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आया उन्होंने उसे बाइंड कर लिया। दूसरा हो के उनके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, आयोनोफोर कंपोनेंट। आयोनोफोर कंपोनेंट में हम मेनली दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, केमिकली एक्टिवेटेड आयन चैनल और एंजाइम रिसेप्टर। केमिकली एक्टिवेटेड जो आयन चैनल होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आ गया है, कुछ जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड। यानी अगर हमें एक्साइटेशन करवानी है किसी चीज़ की, एक्टिवेशन करवानी है, तो सोडियम चैनल ओपन होंगे,
ऑन द अदर हैंड अगर हमें इनहिबिशन करवानी है, किसी चीज़ को रोकना है, तो पोटेशियम और क्लोराइड चैनल ओपन होगी। दूसरा एंजाइम रिसेप्टर, एंजाइम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में रिलीज होने से अगर कोई एंजाइम रिलीज हुआ है तो वो उस एंजाइम को बाइंड करेंगे और जैसे कि जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इन सारी प्रोसेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जाकर फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन कंप्लीट होता है, उसे जो फंक्शन करना होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर हमने देख लिया जो कि एक्टिवेशन करता है, लेकिन ऐसे बार बार अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता रहेगा, बार बार एक्टिवेशन होता रहेगा, तो हमारी जो बॉडी है वो कभी रेस्ट ही नहीं करेगी, हमेशा एक्टिवेटेड मोड में रहेगी, जब हमें ज़रूरत होगी तब भी और नहीं होगी तब भी। तो उसको रोकने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, यानी किसी चीज़ को जो केमिकल इनहिबिट करते हैं उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स। यहाँ पर दो इनहिबिटर मेनली काम करते हैं, एक होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, दूसरा होगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है एसिटिक एसिड और कोलिन में, जो वापस से जब नीड होती है दोबारा से सिक्रीट हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, फिर डिग्रेडेशन, फिर सिंथेसिस, फिर से डिग्रेडेशन, फिर सिंथेसिस, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। दूसरा होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, अगर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन होंगे उनको इनएक्टिवेट करने के लिए जो इनहिबिटर यूज़ होता है वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को जब नीड नहीं होगी तब न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो यहाँ पर जो है रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम, जब रेस्टिंग पोटेंशियल है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, कोई स्टिमुलस नहीं है, तब जो साइनेप्स की कंडीशन होती है वो इस तरह से होती है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, कोई भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है, सब कुछ रेस्टिंग मोड में है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तब क्या होता है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होते ही कैल्शियम चैनल जो होंगे ओपन हो जाएंगी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये जो चैनल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इनको बाइंड कर लेंगे, साथ साथ में आयन चैनल और एंजाइम जो है वो भी एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएंगी। जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन होगा और वापस से जो सेल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में चली जाएगी। इस तरह से साइनेप्स के थ्रू सारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है।